त्रिवट, चतुरंग और तराना। आज ये पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से जानने वाले हैं। तराना शब्द तो आपने ज़्यादातर सुना होगा, फिल्मी गीतों में भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन चतुरंग और त्रिवट क्या होता है? ये तीनों चीज़ें, जैसे कि हम ख्याल गायन करते हैं, सरगम गीत गाते हैं, ध्रुपद गायन करते हैं, छोटा ख्याल बड़ा ख्याल होता है, उसी तरह से एक गायन शैली समझ सकते हैं, या फिर शास्त्रीय गायन में, भारतीय शास्त्रीय गायन में इन तीन चीज़ों का प्रयोग होता है गाने में। तो क्या होता है ये तीनों का अर्थ और क्या क्या फ़र्क है तीनों में, आज पूरा वीडियो देखिए और जानिए। बात करनी हो तो क्या बेखुदी लाऊं, बात करनी हो तो क्या बेखुदी लाऊं, खुद से मिलने को मैं कैसे खुदी लाऊं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं उस्ताद अमीर खान साहब का शुक्रिया करना चाहूँगा, इंदौर घराने के जो फाउंडर रहे हैं और हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और शास्त्रीय संगीत के बड़े ही प्रख्यात व्यक्ति रहे हैं, और उनका व्यक्तित्व, उन्होंने जो शास्त्रीय संगीत को योगदान दिया है, आज उस ही योगदान के ज़रिए आपको मैं कुछ नया बताने जा रहा हूँ। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि तराने पर उनकी बहुत ख़ास रिसर्च रही है, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है कि तराना क्या होता है, उसकी बोली अलग अलग प्रकार। तो वही मैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, तब मुझे एक नई चीज़ जानने को मिली जो तराने के बारे में मैं भी नहीं जानता था। आज तक हम लोग गाते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है हमें नहीं मालूम था। वहाँ से मैंने जाना तो मैंने सोचा आप सभी लोगों के साथ शेयर की जाए ये चीज़, और साथ ही साथ फिर त्रिवट और चतुरंग भी मैंने सोचा इसमें ऐड कर दिया जाए, क्योंकि वो भी लगभग लगभग सिमिलर चीज़ ही होती है। तो ये मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपने बोल सुने होंगे, नादिरदानी, तोमदिरदानी, ताना ना देरे ना, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे, तो आपको इतना तो पता है कि इसे हम तराना कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ और भी कई सारे बोल हैं जो आपने यूज़ होते हुए सुने होंगे, जैसे कि जो गीत हमारा मधुबन में राधिका नाच रही, मधुबन में राधिका ओदे नादर दिलतानी तादारे धीम धीम ताना, उसमें आपने सुना कि तबले के बोल भी यूज़ होते हैं और पखावज के बोल भी यूज़ होते हैं, धाकिट तक धुमकिट तक धिन धिन ऐसे बोल होते हैं, और तिरकिट धरकिट धुमकिट तक ऐसे बोल होते हैं। तो क्या ये चीज़ें होती हैं, और फिर बीच में सरगम भी बोली जाती है कभी कभार और शब्द भी बोले जाते हैं। तो आज मैं पारिभाषिक रूप से आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे त्रिवट एक चीज़ होती है, नाम से ही क्लियर है कि ये तीन चीज़ों का मेल है त्रिवट, जिसमें क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। एक तो बोल, जो परण के बोल हैं यानी पखावज के बोल, जैसे कि धा दिन ता तिट कत गदि गन धुम किट तक धीर धीर किट तक। अब धीरे धीरे जो है ना, वो तबले का बोल है, तो लेकिन पखावज में जो बले बजेगा तो धुम किट तक बजेगा या धिट किट ऐसा बोल का इस्तेमाल होगा। तो एक तो ये इस्तेमाल होता है तबले और पखावज के, धिन धिन भी होता है, धागे तिरकट ऐसे भी इस्तेमाल हो सकते हैं जो तबले के उमूमन बोल हैं। फिर सरगम इस्तेमाल होती है, यानी कि सारेगम पधनीसा, ये जो स्वर हैं ये इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद इस्तेमाल होता है तराना। तराना क्या होता है? पर्शियन और अरबिक जो बोल हैं उनका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो मैं आपको इनके मीनिंग समझाऊं। ये जो तन देरे ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये एक्चुअली में देखा जाए तो हमें लगता है कि यूज़लेस वर्ड्स हैं, लाइक इनका कोई सेंस नहीं बन रहा है, ये ऐसे ही रैंडम बोल हैं, मगर ऐसा नहीं है। जब इन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एक्चुअली में पर्शियन यानी कि अरबी भाषा के या फारसी भाषा के शब्द हैं जिनके सेंस निकलता है, मीनिंग निकलता है। जैसे हमारी हिंदी है, अंग्रेजी है, वैसी वो भाषा है, उसका भी, उसमें कोई चीज़ बोली जाएगी तो उसका भी अर्थ निकलेगा। तराने को लोग समझते हैं अर्थहीन, और बहुत सी किताबों में भी लिख दिया कुछ लोगों ने कि मीनिंगलेस है, लेकिन तराना चूँकि पर्शियन वर्डिंग है उसके और अरबिक, इसलिए लोग उसे बराबर समझ नहीं सकते। मैं एक ज़माने से रिसर्च कर रहा हूँ। यारबन बिया ब्याह के मतलब ये है कि दोस्त जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, दर्तन तदीन, तन के अंदर आ जाओ। फिर उसका अंतरा है कि बलबम रसीद जानम तो ब्याह के जिंदा मानम, मेरे लबों पे जान आ गई है, यानी मैं मरने वाला हूँ, तुम जल्दी आ जाओ कि मैं जिंदा हो जाऊँ, और मेरे मरने के बाद तुम आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इसे यार मन भी आ भी आए दोस्त जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यार मन भी आ भी आ, यार मन भी।
तो तनन दर आ, ये एक शब्द हुआ कि तनन दर आ, इसका मतलब है एंटर माय बॉडी, आ का मतलब एंटर आ जा, और तन तन यानी ये शरीर, तो तनन दर यानी अंदर, तो तनन दर आ का मतलब होता है एंटर माय बॉडी, मेरे शरीर में आइए। और ये बिल्कुल क्या बोलते हैं आप, इबादत के रूप में बोले जाने वाले शब्द हैं। दे ऑल कनेक्ट स्पिरिचुअली, दे ऑल कनेक्ट टू गॉड। ओके, तो ये जितने भी शब्द बोले जा रहे हैं ये ईश्वर से बोले जा रहे हैं कि ओ दानी, ओ दानी, दानी दाना उर्दू में एक शब्द होता है जिसका मतलब नॉलेज रखने वाला व्यक्ति, जैसे नादान हम कहते हैं जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, तो दाना यानी जिसके पास बुद्धि होती है, तो ही नोज, ओ दानी, तू जानता है, यू नो। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके वो सेंटेंस बनते हैं, नादिरदानी, तो तुम दिरदानी, है ना, तन अनदर आ, तन अनदेरे ना, ऐसे जो शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो तू दानी मतलब यू नो, नादिरदानी यानी यू आर द कंप्लीट विजडम, यानी सबसे ज़्यादा जानने वाले तुम ही हो। जैसे हम कहते हैं सर्वशक्तिशाली कहते हैं ईश्वर को, सर्वव्यापी कहते हैं, हम कहते हैं वो सर्वज्ञ है, तो वही चीज़ यहाँ बोली गई है कि नादिरदानी, यू आर द कंप्लीट विजडम, तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब जानते हो। दानी यानी दाना, जो मैंने बताई दिया, तुम, आई एम योर्स, आई बिलोंग टू यू, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हें ही बिलोंग करता हूँ। यल या अल्लाह, है ना, क्योंकि ये पर्शियन और अरबिक है तो थोड़ा सा इस्लामिक टच इसमें आपको देखने को मिलेगा ही, लेकिन ये हम भी गाएंगे तो हम अपने ईश्वर के लिए गा रहे हैं, ऐसा कुछ उसमें विवाद करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये क्यों गाएं, ये वाले शब्द तो इस्लामिक है, ऐसा कुछ नहीं है। यल यानी या अल्लाह, यली यानी या अली। उसके बाद और भी उन्होंने डिटेल बताया, जैसे दर मैंने बोला ना भीतर अंदर, और दर यानी अंदर आ, गेट इन और कम इनसाइड, दर तन यानी तन के अंदर आ, ये सारी चीज़ें उनके इंटरव्यूज़ में आपको मिल जाएंगी, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो दर तन यानी तन के अंदर आ, तन न दर यानी तन के अंदर आ, तो ये क्या हो गया, कम इनसाइड द बॉडी। तुम, मैं, तुम हूँ, आई एम यू, ये इट्स ऑल स्पिरिचुअल। नादिरदानी, तू सबसे अधिक जानता है, यू नो मोर देन एनी वन एल्स, यानी तू सर्वज्ञ है। फिर तनदिरदानी यानी तन के अंदर का जानने वाला, वन हु नोज व्हाट इज़ इनसाइड द बॉडी, कि शरीर के अंदर क्या है वो सब जानता है। तो ईश्वर को लेकर आराधना है, हम लोग पूजा भजन करते हैं, उसी तरह से ये तराना गाया जाता है, नादिरदानी तोमदिरदानी। इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं अभी आपको दे दूंगा, लेकिन एक बार मैं आपको ये समझा दूं कि ये तो हो गया हमारा तराना, कि ऐसे ही शब्दों को इस्तेमाल करके भाई एक धुन में क्या, एक ख्याल में क्या होता है, शब्द होते हैं, स्वर रचना होती है, तालबद्ध लयबद्ध कर दिया और गा दिया, और या गीत में भी यही है, शब्द हैं, धुन है और गायकी है, थोड़ी बहुत थोड़े म्यूजिकल ऑर्नामेंट्स लगा दिया और गा दिया। तो ये वही चीज़ है, बस इसमें जो शब्द हैं वो उमूमन हिंदी भाषा को न इस्तेमाल करते हुए पर्शियन और अरबिक को इस्तेमाल किया है, और धुन रागदारी के हिसाब से धुन बना दी और गा दिया गया। ठीक है, तो त्रिवट जो एक चीज़ होती है, त्रिवट एक सेमी क्लासिकल जॉनर है जिसमें कि परक्यूशन की रिदम यानी जो तबले के और उसके पखावज के बोले जो मैंने बताया, पोएट्री यानी कि हिंदी भाषा के शब्द और मेलोडी का इस्तेमाल होता है, मेलोडी यानी धुन का इस्तेमाल होता है। तीन कौन से कॉम्बिनेशन हो गए इसमें, बोल हो गए परण के जो मैंने अभी आपको बताए थे, धाकड़ तक धुमकड़ तक, सरगम हो गए सारे गम पधनिसा इनमें से, और तराना हो गया। ठीक है, फिर त्रिवट ज़्यादातर कथक में इस्तेमाल होता है ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, और फिल्म सॉन्ग्स में भी इस्तेमाल हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत जो मुझे मालूम है, जो मालूम चला है वो बता रहा हूँ, रेस्ट आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी थोड़ी अपनी रिसर्च करें, चीज़ों को सुनें, जाएं, देखें कि त्रिवट कैसा साउंड करता है या क्या किन किन लोगों का गाया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको भी अपनी मेहनत थोड़ी करनी होगी। देन कम्स चतुरंग। चतुरंग में बस त्रिवट में एक चौथा अंग और जोड़ दिया जाता है, भाषा के शब्द जो पोएट्री है, जो अभी हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ यही चीज़ ऐड कर दी जाती है हिंदी भाषा के। तो चार चीज़ें ये हो जाती है, ख्याल यानी कि साहित्य, बोल यानी परण, तबले के पखावज के बोल होते हैं, परण यानी धाकड़ तक धमकड़ तक, ये जो ओपन बोल होते हैं ना, इनसे बनने वाली एक रचना होती है तबले में, फिर सरगम हो गया, फिर तराना हो गया। तो इन सारी इन चार चीज़ों को मिलकर बनता है चतुरंग। चतु यानी चार और रंग यानी आप जानते हैं, यानी चार रंग उसमें नज़र आते हैं। अब चतुरंग आप कहीं कई जगह सुन सकते हैं, अभी एक छोटा सा पोर्शन मैं भी आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, बाकी इसका एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है मधुबन में राधिका नाचीरी, नौशाद साहब का म्यूज़िक है और शकील बदायूनी साहब के शब्द हैं बड़े खूबसूरत से, तो उसमें आप अंदर जाके देखेंगे तो आता है ना कि मृदंग बाजे तिरकट दुम ताता नाचत थुम थुम तथई तथई ताथा, तो ये तथई तथई थुन थुन ये कथक के बोल हैं। और फिर आ जाता है थुम थुम ताना नाना थुम थुम ताना नाना क्लान धा क्लान धा 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 धा, तो ये क्लान धा ये तबले के और पखावज के बोल हैं। फिर आगे सरगम आती है और सरगम के बाद तराना आता है लास्ट में कि ओ दे
उदन दिरदिरदानी नादिरदानी, ठीक है, तो ये चतुरंग हो गया। तो ये तीन चीज़ें हो जाती हैं प्लस त्रिवट, चतुरंग और तराना। और इनके बोल मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस भी बता दिया कि तराने में सिर्फ नादिरदानी तोमदिरदानी जो जो शब्द हैं यलली यलली लूम ताना नाना देरे ना ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। त्रिवट में ये बोल तो होते ही हैं, साथ में पखावज के भी बोल होते हैं, धाकड़ तक धुमकड़ तक धिर धिर है ना धिर धिर ऐसे, प्लस सरगम भी होती है सारे गम पदनी सा जो भी राग अनुसार होगी। उसके बाद आ जाओ चतुरंग पे, तो चतुरंग में एक चौथी चीज़ और ऐड कर दी जाती है त्रिवट में ही, जो कि है ख्याल के बोल, यानी जो हम बोल रहे हैं वो शब्द, ठीक है, तो आपका चतुरंग बन जाता है। अब उमूमन देखा जाता है कि ये तेज़ गति में होता है ना, आपने भी जो तराने सुने होंगे तो तेज़ गति में सुने होंगे, फास्ट द्रुत में भी होते हैं, तो द्रुत में भी होते हैं और कम लय में भी होते हैं। सोचने वाली बात यह है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि तराने मध्य विलंबित में या मध्य लय में भी गाए जा सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें नियम नहीं होता है कि द्रुत में ही गाए जाएंगे। प्लस इनका जब विस्तार किया जाता है, जैसे कि हमने ख्याल गाया, आप सब लोग बंदिश गाते हैं, तो ख्याल गाया उसका विस्तार कैसे होता है आलापतानों से, द्रुपद गाते हैं उसका विस्तार कैसे होता है लयकारी से, कि उसी रचना को ठाह में दो गुण में डेढ़ गुण तीन गुण साढ़े तीन गुण ऐसे गाया जाता है। सरगम गीत जब आप गाते हैं तो उसका भी अभ्यास ऐसे ही करते हैं अलग अलग लयकारियों में। तराने का जब विस्तार होता है तो कोशिश ये की जाती है कि इसका विस्तार इन्हीं बोलों से हो। वैसे चतुरंग में मैंने नहीं सुना है कि विस्तार कोई करता है, वैसे कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें गलत बात नहीं होगी, और सरगमों से भी विस्तार कर सकते हो, उसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन एक्यूरेट जो तरीका होगा इसका वो ये होगा कि तराने का विस्तार आप तराने के ही बोल में करें, जैसा कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो राग बिहाग पर आधारित मेरे दादा गुरुजी पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी का एक तराना है, वो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं। अब क्योंकि वो तराना तेज़ गति का, मैं आपको दोनों गति के तराने बताऊंगा, जो तेज़ गति में भी होंगे और क्या बोलते हैं धीमी लय में भी होंगे। तो ये जो तराना है ये तराना नहीं है, ये बेसिकली ये मान लीजिए आप चतुरंग ही है ना, या फिर चतुरंग भी नहीं कह सकते, त्रिवट भी कह सकते हैं। देखिए ये मिश्रण होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इनके प्रॉपर नियमों को मद्देनजर रखते हुए ही बनाए, नहीं, कई लोग फ्यूजन भी करते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब आप बोल दो कि अगर मान लो मैंने ख्याल के शब्द ले लिए, सरगम ले ली और तबले के बोल ले लिए और नादिरदानी तोमदिरदानी नहीं लिया, तो अब ये क्या हुआ, क्योंकि ये तो न त्रिवट में आ रहा है ना चतुरंग में आ रहा है। तो ऐसा किया जा सकता है मेरे ख्याल से, है ना, कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो जाएगा, कुछ नया ही निकल के आएगा, है ना, तो ऐसा ही कुछ मिश्रण के साथ। और ये भी मैं बता दूं कि नादिरदानी तोमदिरदानी ये बहुत कम लोगों को पता है कि इनका अर्थ होता है, तो कई लोग इनको यूं ही बोल दे देते हैं ना कि धीमता ना दे रे ना। अच्छा, इसमें एक और बात मुझे ध्यान आती है, सितार, सितार के बोल होते हैं ना दिर 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 दार दार दा, ये सितार में भी यूज़ होते हैं, जब सितार बजाया जाता है और यहाँ जो बजाई जाती है उसमें जो चीज़ उसमें जो बोल बनते हैं उसके, वो जब सिखाए जाते हैं तो उसको बोला जाता है दिर 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 दार दार दा, है ना, जो आप जो रिदम देते हैं ना, वो स्ट्रम जो करते हैं उसमें ये ही शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो ये भी मेरे ख्याल से तराने से ही रिलेटेड है, इसीलिए वहाँ इस्तेमाल होता है, तो वो भी इस्तेमाल कर दिए जाते हैं और आप मिश्रण करके बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बिहाग में एक छोटी सी रचना सुनाऊं, ने ने सा नि सा ग म ग सा नि सा ग म प ग म ग सा ग म प नि नि धा म प ग म ग धेरे न धेरे न धेरे न धेरे न तुम ताना ना ना ताना धेरे ना धेरे न धेरे न धेरे न धेरे न तुम ताना ना ना ताना धेरे ना यलली यललोम यललेली तान तान तदरे तान तुम ताना ना ना ताना ना ना धेरे न धेरे न धेरे न धेरे न तुम ताना ना ना ताना धेरे ना ना धेरे धेरे तुम धेरे धेरे ना धेरे धेरे ता धेरे धेरे तुम ताना ना 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 धेरे धेरे ता धेरे धेरे तुम धेरे धेरे ता धेरे धेरे तुम ताना ना 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 तुम ताना ना ना धेरे ना तुम ताना ना ना धेरे ना धा किट तक धुम किट तक धेरे किट तक ता तेरे किट धेरे किट तक धा तेरे किट तेरे किट तक धा धा तेरे ना धेरे ना धेरे ना धेरे तुम ताना ना ना।
अब ये मान लीजिए इसमें तोम ताना नाना नादर दर दर आ गया, यलली ये तो तराने के बोल आ गए, फिर आपने देखा धा गिटे तक धुम गिटे तक ये इस्तेमाल हुआ, तो इसमें दो ही चीज़ें इस्तेमाल हुई, ज़रूरी नहीं है इसमें मैंने सरगम ऐड करी या ख्याल के बोल ऐड किए, तो वो भी कोई नेसेसरी नहीं है, आप ऐसी रचना भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए मैं एक छाया नट में आपको तराना सुनाता हूँ, ये तो देखा आपने इसकी लय जा रही थी, धिन धिन दा त्रिकट तो ना करता दगे तट धिन ना धिन धिन दगे तट तो ना करता दगे तट धिन ना दे रेना है ना, इस लय में जा रहा था ये तराना, तो उमूमन ऐसा भी होता है। इससे भी तेज हो सकता है, धेरे ना एक ताल की इतनी द्रुत लय भी जाती है, या तीन ताल में भी होता है तराना, ज़्यादातर एक ताल और तीन ताल में ही पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत द्रुत भी हो जाती है ना, तो रूपक में नहीं मैंने कभी कोई तराने सुने, मगर बनाए भी जा सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल जब आप करते हैं ना, तो इंस्ट्रूमेंटल में एक झाला पोर्शन आता है जिसमें इस तरह से एक पोर्शन चलता है, वो ज़्यादातर मैंने तीन ताल में ही देखा है, वो एक ताल में भी हो सकता है, फिर बार बार उसमें खंड बदले जाते हैं, ताल की जातियाँ बदली जा जाके उसमें वेरिएशन किए जाते हैं, वो सितार में भी होता है, फ्लूट में भी होता है, आप किसी भी मेरे ख्याल से स्वर के इंस्ट्रूमेंट में, वो स्वर वाद्य में एक झाले का पोर्शन अगर आप बजाएंगे तो वो ऐसा ही कुछ रहता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए तराना गायकी में एक ऐसी चीज़ ऐड करी गई, जैसे झाला इंस्ट्रूमेंटल में है, तो मेरे ख्याल से तराना गायकी में भी एक पोर्शन डालने की ज़रूरत महसूस हुई कि हम भी अगर तेज़ गाएंगे तो क्या गाएंगे, है ना। तो अब इसका विस्तार भी होगा तो कैसे, धेरे ना। अब इसका विस्तार वैसे सरगमों में भी हो सकता है, धेरे ना। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर इसका विस्तार तराने के बोलों में ही किया जाता है। बार बार उसी रचना को पकड़ा जाता है और तराने के बोल में उसका विस्तार हो जाता है ना। तो ये हो गया। अब मैं आपको अगर छाया नट में थोड़ा सा सुनाऊं और उसकी लय क्या बनती है। ये भी मेरे दादा गुरुजी पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी का बनाया हुआ कम लय का तराना है। अब इसमें आप विस्तार करते हो तो आप सरगम में भी करते हैं। नीरे गा गा पारे गा मारे सा
अतताना, इस तरह से आप सरगम में विस्तार करते हैं इसका, ठीक है। तो ये आपका तराना हो गया, और चतुरंग मैंने आपको सुनाई दिया कि कैसे कैसे बोल हो रहे हैं, या फिर जो मधुबन में राधिका का छोटा सा अगर मैं आपको पोर्शन गा के सुनाऊं, मृदंग बाजे तिरगिट धुम तिरगिट धुम ताता, मृदंग बाजे तिरगिट धुम ताता, नचता चुई तई ताता, झुम झुम जाना नाना, झुम झुम जाना नाना, क्रांदा 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 दा दा दा, मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में, है ना। ये राग हमीर पर आधारित मुख्यतः रचना है जिसमें बीच में तराना और ये बोल इस्तेमाल हो गए। तो ये एक नई चीज़ है मेरे ख्याल से आपके लिए। मूलतः जो मैं इसमें बताना चाह रहा था, वैसे ये सारी बातें ज़्यादातर लोगों को पता हैं कि धूमता ना 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 देरे ना देरे ना देरे, या धाकड़ तक धूमकड़ तक धिंग, तबले के ऐसे बोल इस्तेमाल होते हैं, या त्रिकड़ धा 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 धा, ऐसे बोल इस्तेमाल हो रहे हैं, नादिरदानी सरगम के शब्द के बोल इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जो कम लोगों को पता है वो ये है कि ये नादिरदानी तोमदिरदानी का कोई अर्थ निकलता है, वो बात बताने के लिए मूलतः मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी तो हो सकता है ये सारी बातें आप लोगों को पता भी हो, प्रैक्टिकली भी आप जानते हो, लेकिन नादिरदानी तोमदिरदानी का अर्थ क्या है वो लोगों को नहीं मालूम है, बहुत कम लोग जानते हैं। जो मैंने शुरू में ही शुक्रिया अदा किया उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब का, उन्होंने जो रिसर्च करी है, उनकी जो मेहनत है वो आगे पहुँचनी चाहिए, कि उन्होंने जो जो चीज़ें पता करी कि पर्शियन और अरबिक में इनके कोई मीनिंग निकलते हैं, सेंस निकलता है, ठीक है। बाकी हमारी स्वरांगिनी को अगर आप मंगाते हैं, उसमें हमने एपिसोड वाइज सिखाया है, हर एक राग में लगभग हमने तराना चतुरंग त्रिवट ये सिखाने की भी कोशिश करी है, क्योंकि ये हमारी गायकी का पार्ट है। जब ख्याल गायकी होती है तो उसके बाद मध्य विलंबित ख्याल हो गया, या विलंबित ख्याल से शुरू किया, मध्य विलंबित गा दिया, मध्य गा दिया, द्रुत ख्याल गा दिया, उसके बाद आप तराना भी गाते हैं, है ना। तो तराने में क्या गाना चाहिए, क्या बोल होने चाहिए, वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो उमूमन बाकी चीज़ें इसकी सेम ही रहती हैं, वही रागदारी है, वही स्वर रचना है, वही ताल पक्ष है, लय पक्ष है, वही रहता है। विस्तार थोड़ा अलग हो सकता है, वो मैंने बता दिया, और बोल अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा आप सभी लोगों के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप थोड़े तराने चतुरंग इनके ऊपर सर्च करें, देखें, सुने, वो आपका है योगदान आपके सीखने में। लाइक मैंने तो बता दिया, मगर प्रैक्टिकली देखने के लिए आपको भी तो थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी ना। सारा काम मैं कैसे कर सकता हूँ, सारी चीज़ें कैसे सुना सकता हूँ आपको, ठीक है। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।